अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में अपडेट शेयर करूंगा जॉर्डन बॉर्डर का। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया आज सुबह में, उनका एग्ज़िट रेंट्री हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी एक्सटेंड हो गया। मैंने ही उनको रेफ़र किया था, इससे पहले के वीडियो में बताया था हम लोगों को कि जिनको जॉर्डन बॉर्डर के थ्रू एग्ज़िट रेंट्री करवाना अपने फैमिली मेम्बर को, मैं आपको कार्ड नंबर शेयर कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करिए, बहरीन का भी किया है। अभी भी आप में से कोई अगर परेशान है अपना फैमिली मेम्बर का वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए, जिनका मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा है, सारा क्राइटेरिया पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होगी। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है फैमिली विजिट वीज़ा का, आप वो प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो इस वीडियो में चलिए मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो जॉर्डन बॉर्डर जाने से पहले तो नर्वस थे ऑब्वियसली, क्योंकि जॉर्डन बॉर्डर में जाना थोड़ा टफ है। बहरीन के थ्रू बहुत इजी हो जाता है, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, लेकिन जॉर्डन बॉर्डर के थ्रू जाना थोड़ा सा लोगों के लिए टेंशन भरा हुआ रहता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा जो लोग जॉर्डन बॉर्डर के करीब में है। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये एक इंडियन फैमिली, और मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जो प्रॉमिस करा था कि मैं जाने के बाद फुल वीडियो फ़ोटोज़ आपको प्रूफ के साथ शेयर करूंगी कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। आप देख सकते हो ये छोटा सा वीडियो उन्होंने ऑफिस का शेयर किया है, जो ऑफिस के थ्रू उन्होंने एग्ज़िट रेंट्री करवाया। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करिएगा, मैं आपको ऑफिस का कार्ड दे दूंगा, जिनको जेन्युइन नीड है, बहरीन का भी जॉर्डन का भी। मैं खर्चा भी बताता हूं आपको, पहले खर्चा बता देता हूं। कॉस्ट जो है उन्होंने बताया 650 रियाल, 650 रियाल एडल्ट्स का है। इसमें क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, वीज़ा वगैरह, पास वगैरह जो भी चाहिए ये सारा चीज़ वो देंगे, आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 650 रियाल उनको पे करना है। इसके अलावा वो ग्रुप बना के सबको भेज रहे हैं, वो डेली नहीं भेजते। तो आप लोगों का कब एक्सपायर है वीज़ा, उस हिसाब से आप उनसे डिस्कस कर लेना। बैच वाइज बैच बना के वो भेजते हैं लोगों को, तो जब मैं नंबर दूंगा तो आप उनसे बात कर लेना। साथ में आप फीस का डिस्कस कर सकते हो, अगर वो और भी कम करे तो। 650 उनका कार्ड में है, बच्चों का कम है, तो आप लोग इसको ज़रूर डिस्कस करना अगर वो इससे भी कम करे तो। अब रहा बात ऑनलाइन वीज़ा जॉर्डन का लेने की, अगर कोई चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करूं और ख़ुद से जाके एग्ज़िट रेंट्री करूं, ये भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉर्डन का वीज़ा बहुत जल्दी नहीं मिलता है। कोविड-19 के बाद से और टफ हो गया है जॉर्डन का वीज़ा लेना। तो आप लोग को अगर आइडिया है, नॉलेज है कैसे लेना है, तो आप खुद से भी ले सकते हो। एग्ज़िट रेंट्री सिर्फ ट्रांसपोर्ट एजेंट का यूज़ कर सकते हो, इसमें वो वीज़ा कॉस्ट आपको हटा देंगे, आप उनसे बात कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मुझे सर दर्द लेना ही नहीं है कुछ भी, वीज़ा भी वो ले और एग्ज़िट रेंट्री भी वही करवा दे, तो आप उनसे ये सारा चीज़ डिस्कस कर लो, एग्ज़िट रेंट्री करवा लो। जो नर्वस हो रहे कि जॉर्डन बॉर्डर जाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, उनको मैं बता दूँ, ऑलरेडी आज ही एक फैमिली ने किया तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, सो आई बिलीव आपको भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत स्मूथली हो जाएगा इंशाल्लाह। इन्होंने सुबह मुझे बताया कि इनको 35 मिनट लगा एग्ज़िट एंट्री करने में, सऊदी से जॉर्डन क्रॉस किए, फिर आगे से यू टर्न लेके फिर से सऊदी अरबिया में इंटर कर लिए। बॉर्डर में क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, जो भी आपको पास चाहिए, वीज़ा चाहिए, ये सब आपको ऑफिस वाले दे देंगे। सिर्फ आपको पासपोर्ट लेके जाना है और एक पास देंगे, पास का पेपर, एक फॉर्म टाइप का पेपर रहता है, वो पेपर आपको साथ में लेके जाना है। कोई दिक्कत नहीं होगा, इमिग्रेशन में भी आप आराम से एग्ज़िट एंट्री कर सकते हो। ये कुछ पिक्चर्स उन्होंने मुझे भेजा था, आप देख सकते हो। तो जो भी मेरे भाई परेशान है, जो बहरीन के तरफ नहीं आ सकते, जॉर्डन के तरफ जा सकते हैं, आप आराम से जाओ, कोई इशू नहीं होगा। बाकी जो बॉर्डर्स है उसका अभी तक मुझे किसी ने फीडबैक शेयर नहीं किया, चाहे कतर का हो, कुवैत का हो या फिर यूएई का हो। अगर आप में से किसी ने अपना फैमिली का एग्ज़िट रीएंट्री कराया है उन बॉर्डर से जिसके बारे में मुझे फीडबैक अभी तक मिला नहीं, तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।